subscribe to Tekease and press notification bell to get notified about Tekease videos. आप देख सकते हैं कि ये मोबाइल जो है वो सैमसंग का डुअस मोबाइल है, सैमसंग गैलेक्सी डुअस। तो इस मोबाइल के अंदर अभी जेलीबीन ओएस है, 4.2.2 जेलीबीन। हम इसको इंस्टॉल करेंगे इसके अंदर नया ओएस नोगट 7.1.2। तो इसके लिए चाहिए आपको किंग रूट सॉफ्टवेयर जो मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, और उसका लिंक मैंने आपको दे दिया है वीडियो के नीचे। ये कि रूट ट्राई कर रहा हूँ मैं, रूटिंग शुरू हो गई इसकी। इसके अंदर नेटवर्क नहीं दिखा रहा है, मैंने इंटरनेट ज्वाइन नहीं किया इसके लिए। अभी इसमें मैं वाईफाई ज्वाइन कर लूँगा, और वाईफाई ज्वाइन करते ही फिर से एक बार ट्राई करूँगा। देखिए मैंने वाईफाई ज्वाइन कर लिया है। आप वाईफाई ज्वाइन करने के बाद में मैंने ट्राई किया है रूट करने के लिए। अब ये 1% दिखा रहा है रूटिंग करने के लिए, और थोड़ी देर में 12% 15% और फिर 30%, और फिर बाद में आगे जा करके इसकी परसेंटेज बढ़ करके जाएगी 90%, और फिर ऐसे धीरे धीरे करके पूरा 99% हो जाएगी और ये हो जाएगा रूट। ये देखिए हो गया रूट, सक्सेसफुली रूट हो चुका है। अब इसके बाद में हम ट्राई करेंगे रूट चेकर, रूट चेकर से मालूम पड़ेगा हमारा रूटिंग हुई है कि नहीं हुई है प्रॉपरली। इसके लिए जाना पड़ेगा आपको प्ले स्टोर में, वहाँ पे आप रूट चेकर इंस्टॉल कर लीजिए इस तरह से। उसके बाद में आप रूट चेकर इंस्टॉल करने के बाद में रूट चेकर में आप सॉफ्टवेयर रन कीजिए। रन किया मैंने अभी रूट चेकर, ये ओपन कर दिया। उसके बाद में फिर आप यहाँ पर वेरीफाई रूट एक लिखा हुआ है बटन, वो दबा दीजिए, टच कर लीजिए, तो ये आपका डिवाइस वेरीफाई कर लेगा। यहाँ पे आपको अलाउ करना है, ये अलाउ कर लिए यहाँ पे। उसके बाद में फिर वो चेक करेगा और बताएगा वेरीफाई हुआ कि नहीं हुआ। देखिए दिखा रहा है कॉन्ग्रेचुलेशंस, रूट सक्सेस इज प्रॉपरली इंस्टॉल्ड ऑन दिस डिवाइस। तो ये इस फ़ोन के अंदर रूट हो चुका है। अब दूसरी बार ये रैश आयर की, रैश आयर सॉफ्टवेयर भी आपको मिलेगा प्ले स्टोर में, उसको इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद में आप यहाँ पर से एक वो फाइल आप उसको दे सकते हैं TWRP की। ये फाइल मैंने रख दिया हूँ वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर। ये फाइल जो है वो मैंने रखा हुआ हूँ SD कार्ड में। अब मैं जा रहा हूँ ये IMG फाइल इंस्टॉल करने के लिए। ये मैंने फाइल चूज़ कर ली IMG की। बेसिकली ये TWRP रिकवरी है जो बहुत ज़रूरी है फ्लैश करने के लिए नया OS। इसको मैंने यस कर रहा हूँ, और अभी थोड़ी देर में ये फ्लैश करके देखिए फ्लैशिंग रिकवरी IMG। ये रिकवरी IMG जो है रिबूट पूछ रही है, और अभी रिबूट होने के बाद में हमको मिल जाएगा पूरा सॉफ्टवेयर, पूरा TWRP हमको मिल जाएगा। तो TWRP आपको बहुत ज़रूरी है, उसके बिना फ्लैश नहीं कर सकते हैं। आप रिबूट हो रहा है TWRP के अंदर, रिकवरी कंसोल के अंदर। ये आ गया टीम विन TWRP का रिकवरी मेनू कंसोल, ये आ गया, ये आया मेनू। यहाँ पर आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको वाइप में जाना है। वाइप में जाकर के आप इसके अंदर से इसमें कैश पार्टीशंस और डेटा वगैरह उड़ा देंगे। सबसे पहले आप फैक्ट्री वाइप करेंगे, जो आपका फैक्ट्री रिसेट करना होता है फ़ोन को। फैक्ट्री रिसेट करने के बाद में फिर आप वापस बैक ले लेंगे, और उसके बाद में फिर आप इसके अंदर से ये डालविश कैश एडवांस में जाकर के डालविश कैश और डेटा वगैरह वाइप करेंगे। इसके अंदर आप इंटरनल मेमोरी और SD कार्ड मत चूज़ कीजिएगा, नहीं तो फिर आपका इंटरनल मेमोरी SD कार्ड उड़ा देगा। अगर आप उड़ाना है तो उड़ा दिए, लेकिन आपका डेटा अगर रखा है आपने इंटरनल मेमोरी के अंदर तो मत कीजिएगा। जो फाइल है ये जो फ्लैश फाइल वगैरह है तो इसके लिए तो वो बेचारा छोड़ दीजिए इसको, आप कोई बात नहीं बाद में मैनेज कर लीजिएगा। अब देखिए डेटा वाइप कर रहा है पूरा, ये आपको डेटा वाइप कर रहा है। थोड़े टाइम में आपका डेटा वाइपिंग हो जाएगी और पूरी तरह से मोबाइल फ़ोन जो फ्री हो जाएगा आगे काम करने के लिए। अब यहाँ से आप बैक कर लीजिए, और बैक करने के बाद फिर आप यहाँ पे मेन में आइए। मेन में आके इंस्टॉल है, इंस्टॉल पे क्लिक कीजिए, और जैसे कि मैंने अपना फाइल रखी हुई SD कार्ड के अंदर, तो मैंने SD कार्ड चूज़ किया हुआ है। आप SD कार्ड में रख सकते हैं, SD कार्ड में चूज़ किया है। यहाँ पे लेनेक्स 14.1.720.17.0.8.15 अनऑफिशियल वाली फाइल है। ये फाइल चूज़ करना है आपको, इसके अंदर ही आपका 7.1.2 लिनक्स का नोगट अपडेट सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे रिबूट आफ्टर इंस्टॉलेशन चूज़ किया हुआ है, यहाँ से इसको बैक कर रिफ्रेश कर लीजिए और फ्लैश कर लीजिए। फ्लैश करने के बाद में फिर देखिए ये फ्लैशिंग हो रही है। फ्लैश होने के बाद में आपको मिल जाएगा पूरी तरह से एक आपको नया OS 7.1.2 नोगट मिल जाएगा आपको इस मोबाइल के अंदर। आपके मोबाइल के अंदर फिर से एक नई जान आ जाएगी, एक नई ताकत आ जाएगी, और आपका मोबाइल जो है आपको अच्छा लगेगा। और आप किसी के सामने ये मोबाइल निकाल सकते हैं, आपको सेम फील नहीं होगा कि आप अभी तक वो हैं जेलबीन में बैठे हुए हैं और अभी तक वो वही फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप नए फ़ोन में भी
नए आई ओएस इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे हो चुका है पूरा इंस्टॉलेशन ओएस का। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको क्या ये रिकवरी सॉफ्टवेयर है वो इनबिल्ड करना है। इसके मैंने यस पे क्लिक करके स्वाइप कर दिया है। अब ये प्रॉपरली जो है इसका फ्लैशिंग हो चुकी है। अभी थोड़ी देर में आपको इसका जो ये एनिमेशन लोगो है लिनक्स का वो बूट हो रहा है। इसका लोगो है एनिमेशन बूट ऑफ स्क्रीन। इसके बाद में देखिए आ गया ये। अब यहाँ पे आप नेटवर्क दिखा रहा है आपको, बैटरी दिखा रहा है, टाइम दिखा रहा है। यहाँ पे से नीचे आप नेक्स्ट कर लीजिए और इसके अंदर अपने लैंग्वेज इंग्लिश यूएस या यूके जो आप करना है वो चूज़ कर लीजिए और नेक्स्ट करके नेक्स्ट करके आप स्किप करके मेन स्क्रीन पे आ सकते हैं। एक बार आप मेन स्क्रीन पे आ गए तो आपका मोबाइल इसी तरह से फ्लैश हो गया है। अब आप देख सकते होंगे ये मैंने फटाफट पूरी तरह फ्लैश कर लिया है। बहुत कम वक्त में मैंने इसके अंदर जेलीबीन से ओएस न्याय दे दिया है। सैमसंग गैलेक्सी आपको कभी भी सैमसंग फ़ोन आपको कभी भी ये इस फ़ोन के अंदर नगट नहीं डाल के देगा, इतना अपडेट आएगा ही नहीं। लेकिन मैंने ये आपको बता दिया है, आप खुद कर सकते हैं इस तरह से अपडेट नोगेट का। देखिए कितना खूबसूरत और प्यारा सा आपको दिख रहा है इसका स्क्रीन, ये होम स्क्रीन, ये जो फ़ोन का आइकॉन है या मैसेज का आइकॉन है। ऊपर से देखिए नोटिफिकेशन बार भी आ गया, ये देखिए नोटिफिकेशन बार भी आपको दिखा रहा हूँ। और ये जो स्वाइप नीचे किया मैंने, इसका जो नोगेट का जो ये यूआई है, फुल यूआई, खूबसूरत सा यूआई देख सकते हैं कि कितना प्यारा लग रहा है ये। और इसके अंदर काफ़ी कुछ नए नए जो आइटम्स हैं, नए नए फीचर्स आपको मिल जाएंगे जो आपके गैलेक्सी जेलीबीन में नहीं थे, और आप अप टू डेट सॉफ्टवेयर में आ जाएंगे। देखिए मैंने यहाँ पे लेफ्ट से स्वाइप किया है तो मेन्यू भी आपके लेफ्ट से स्वाइप होते हैं जैसे मतलब नए सिस्टम में ऐसा है। और ये देखिए एंड्रॉइड फ़ोन में आपको दिखा रहा है कि एंड्रॉइड 7.1.2 नोगेट है। अब इसको क्लिक 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 करने से आपको एन नहीं दिखने वाला है क्योंकि लिनक्स ओएस के अंदर आपने एन नहीं मिलता आपको, लेकिन इसका लोगो ही रहता है। अब यहाँ से हम जाएंगे थोड़ा और देखने के लिए कि आपके कौन सा कर्नल मिला है, आपके डिवाइस नेम क्या दिखा रहा है। वहाँ पे देखिए GTI9082 दिखा रहा है जो आपका गैलेक्सी का डिवाइस नेम है, एक कर्नल दिखा रहा है आपको, ये आपको पैचेस वगैरह दिखा रहा है। अब यहाँ से हम बैक ले लेते हैं और बैक लेके हम जाके देखेंगे कि स्टोरेज में क्या दिखा रहा है। तो स्टोरेज में आपको दिखाएंगे कि स्टोरेज कितना GB कवर किया हुआ है, कितना आपको मिला हुआ है। बेसिकली इसके अंदर 8 GB का रोम है और इसके अंदर आपको जो है ना 4 GB दिखाई पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर कुछ मैंने इंटरनल मेमोरी फॉर्मेट नहीं की थी इसके लिए इसके अंदर यूज़ है। देखिए 8 GB में से आपको 4 GB अभी फ्री दिख रही है। तो SD कार्ड में भी आपको शो कर रहा है यहाँ पे बेसिकली, और क्योंकि इसके अंदर OTG फंक्शन नहीं है तो पेन ड्राइव में काम नहीं करेगी। इसके लिए मैंने सब SD कार्ड पे रखा हुआ है, इसकी जो फ्लैश फाइल थी और रिकवरी फाइल थी SD में रखी हुई थी। अब आपको दिखा रहा हूँ कि देखिए यहाँ से आप जा करके इसमें जो इसका होम स्क्रीन है और ये इसका मेन्यू जो है, मेन्यू ड्रावर, देखिए इसमें से सब बराबर काम कर रहा है। कैलेंडर मैंने खोला है, कैलेंडर काम कर रहा है। यहाँ से कैलकुलेटर खोल लिया है मैंने, कैलकुलेटर भी काम कर रहा है। और इधर से मैं बैक ले लेता हूँ और बैक लेने के बाद फिर मैं एक कॉलिंग ट्राई कर लेंगे किस तरह कॉल जा रही है, किस तरह कॉल आ रही है, साउंड कैसी है कॉलिंग की, मेन्यू कैसा है, स्क्रीन कैसा कॉलिंग की। देखिए ये जैसे पूरा एकदम नया नोगेट का स्क्रीन जैसा कॉलिंग स्क्रीन है। तो डेफिनेटली सैमसंग का ओएस काफ़ी भारी है, काफ़ी हेवी है वो मोबाइल, ये मोबाइल उसको झेल नहीं पा रहा है, मर जाता है, सो हो जाता है, थक जाता है, लेकिन ये एकदम बढ़िया सा है। यहाँ से चूज़ कर लेंगे हम अपने सिम की कॉल करना, जिसमें कॉल कर रहा हूँ ये नंबर पे, अब ये कॉल जा रहा है। कॉल हो रहा है, देखिए बेल हो रही है। अच्छा ये मैंने काट दिया फ़ोन। अब देखिए जैसे आप देख चुके हैं कि इसे कॉलिंग भी अच्छा सा हो गया है और इसके अंदर सब कुछ ठीक ठीक चल भी रहा है। और मैं इसमें एक दिक्कत ये आ रही है कि इस रॉम के अंदर आपको स्क्रीनशॉट नहीं मिलेगा, स्क्रीनशॉट बटन काम नहीं करता है, थोड़ा बग है इसके अंदर, ये सॉल्यूशन का नहीं हुआ है। पर आपका स्क्रीनशॉट में लेना है आपको चाहिए है तो प्ले स्टोर से आप थोड़ा सा एक सॉफ्टवेयर मिलता है स्क्रीनशॉट का, वो डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए, आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाएगा। इसके बाद में हम डाउनलोड करेंगे इसके अंदर गूगल ऐप, क्योंकि इसके अंदर प्ले स्टोर नहीं है, इसके अंदर अभी कोई भी जीमेल का सॉफ्टवेयर नहीं है। गूगल ऐप से इंस्टॉल कर लेंगे तो पूरी तरह से रॉम अप हो जाएगा। तो गाइस अब बारी है गूगल ऐप इंस्टॉल करने की। उसके लिए आप मोबाइल बंद कर लीजिए और वॉल्यूम अप, होम की और पावर की दबा के रखिए और थोड़ी देर में आपका मोबाइल जो है वो TWRP रूप की रिकवरी में बूट हो जाएगा। एक बार वो बूट होने के हो जाए तो फिर आप के सामने मेनू आ जाएगा, उसके अंदर स्टॉल में जाइए, स्टॉल में जा करके आप ब्राउज कीजिए और अपने SD कार्ड या इंटरनल स्टोरेज में जहाँ भी आपने फ़ाइल रखी हुई है वो फ़ाइल टच कीजिए। मैंने वो फ़ाइल रखी हुई है SD कार्ड के अंदर, उस फाइल का नाम है गूगल ऐप्स ARM 7.1 SS का फाइल नेम है, जिप फाइल है वो फाइल आप सेलेक्ट कीजिए और फ्लैश कर लीजिए। फ्लैश करने के बाद में स्टार्ट कीजिए और आपका फ़ोन जो है वो बूट हो जाएगा और वापस से एंड्रॉयड के अंदर, और आपको अब आपको मिल जाएगा इसके अंदर प्ले स्टोर और गूगल अकाउंट्स वगैरह।
इसके जरिए से आप अपना गूगल अकाउंट कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, प्ले स्टोर जा सकते हैं। इस तरह से पूरी तरह से आप अपना फ़ोन जो है वो जेलीबीन 4.2.2 से 7.1.2 में बदल सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं नोघट के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो तो लाइक कीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा चैनल तब तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, टेक इज गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट देन प्लीज शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल टेक इज। थैंक यू।